अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिले भर में शराब तथा अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग ने इस क्रम में जिले के विभिन्न स्थानों में कार्रवाई करते हुए शराब के अवैध कारोबार के 10 दर्ज किए। इन प्रकरणों में 48 लीटर हाथ भट्टी से बनी अवैध शराब तथा 500 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। इन सबके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 तथा संशोधित अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक आशीष शुक्ला, अभिषेक त्रिपाठी, उमाकांत तिवारी, महेंद्र सिंह तथा पुलिस बल के सदस्य शामिल रहे। इस संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सागर ने बताया कि तुथर में सुनीता माझी के घर से 10 लीटर अवैध शराब तथा 40 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। तुथर ही राम सखी माझी के घर से 5 लीटर अवैध शराब तथा मुन्नी देवी माझी के मकान से 6 लीटर अवैध शराब एवं 150 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। ग्राम पचामा में अरुणा साकेत के मकान से 2 लीटर कच्ची शराब एवं ग्राम बरौली में राम अवतार साकेत के मकान से 5 लीटर, ज्वाला प्रसाद साकेत के मकान से 5 लीटर, सुनीता साकेत के मकान से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। आबकारी तथा पुलिस के संयुक्त दल द्वारा ग्राम पचामा में ही राजकुमार साकेत के मकान से 10 लीटर अवैध शराब तथा 120 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। इसी गांव में मोनू माझी के मकान से 100 किलोग्राम तथा राकेश माझी के मकान से महुआ लाहन जब्त किया गया। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया